नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केळकर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, काउंसिलर हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है, केळकर हॉस्पिटल, अकोला में, महाराष्ट्र, जो इंडिया में है। मैं जो सीरीज पिछले 7-8 एपिसोड से लेकर आया हूँ, मोटिवेशनल लेक्चर फॉर यंग स्टूडेंट्स, वही मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कॉन्सेंट्रेशन इन स्टडीज। बहुत सारे बच्चे और कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं रहता। इवन पेरेंट्स भी आते हैं, बोलते हैं कि ये खेलकूद में तो बहुत अच्छा है बच्चा हमारा, लेकिन पढ़ाई करते हो कि शांति से बैठ नहीं सकता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता, एक जगह पे 5 मिनट के ऊपर बैठना नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम आजकल लोगों को फेस हो रही है वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। नंबर एक, जब पढ़ाई करते हैं तो जो बाकी के जो स्टिमुलाय है, जैसे टीवी, खाना, बातें, खेलकूद, मोबाइल, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसको बंद कर देना। जितने कम स्टिमुलाय, जितने कम आवाज, जितने कम प्रॉब्लम्स आजू बाजू के वातावरण में होंगे, उतना ज्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन हमारा पढ़ाई पे लग सकता है। होता क्या है, जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो इधर मम्मी पापा बात करते रहते हैं, दूसरे रूम में दादी टीवी देखते रहती है, कोई खेलकूद करते रहता है, कोई मोबाइल पे खेलते रहता है, और फिर हम बोलते हैं कि बच्चों का पढ़ाई पे ध्यान रहता नहीं है। तो इसलिए अगर हम पढ़ रहे हैं या हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तो हमने ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना कम से कम हो, हमने जो स्टिमुलाय है, जो वातावरण है, उसको कम कर देना चाहिए। साथ ही में हमने ये देखना चाहिए कि जो वातावरण है कॉन्सेंट्रेशन जिसमें अच्छा लगता है, वो वातावरण यह है कि हम टेबल पे पढ़ाई करें, कुर्सी और टेबल लेके हम पढ़ाई करें, लाइट अच्छा हो, खाना पीना अच्छा हुआ हो, नींद अच्छी हो, पानी, भूख सब संतुष्ट हो, और ऐसे वातावरण में हमने पढ़ाई करना चाहिए। जब ये वातावरण, जब ये स्पेस बराबर तैयार नहीं होती, तो हमारा पढ़ाई पे ध्यान रहता नहीं। साथ ही में जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हमें कंप्लेन करते हैं, और ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जब मैं पढ़ता हूँ तब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली चलते रहती है। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़के ने मुझे क्या बोला, ये लड़की आज कैसी दिख रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे क्यों डांट रहे थे, वो हीरो कैसा दिखता है, वो हीरोइन कैसे डांस करती है, ऐसे बहुत सारे ख्याल कंटिन्यूअसली हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के गाने बजते रहते हैं, और इसी कारण मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन मेरा बच्चों को ये है कि जब हम पढ़ाई करते रहते हैं तो ये जो कंटिन्यूअसली बातें हमारे दिमाग में आ रही है, ये बातें आने के बावजूद, ये बातें कितनी भी कंटिन्यूअसली आ रही है, ये बातें आने के बावजूद हमने पढ़ाई पे कोशिश करने का, फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए। यूजुअली स्टैटिस्टिक्स ऐसे कहते हैं कि अगर हमने, हमारा कॉन्सेंट्रेशन 100% नहीं है, अगर 60% भी कॉन्सेंट्रेशन हमारा है, फिर भी हम अच्छे तरह से, अच्छे फ्लाइंग कलर से हम पास हो सकते हैं। अगर फिर भी हमें तकलीफ हो रही है तो हमने क्या करना है, हमने पढ़ाई करते वक्त एक रजिस्टर साथ में रखना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है, उसमें 2 कॉलम बनाने हैं, इंपॉर्टेंट थिंग एंड नॉट इंपॉर्टेंट थिंग। जब जब दिमाग में हमारे जो भी चीजें आ रही है उसको वो 2 कॉलम में अपने हिसाब के अनुसार लिख लेना है। अगर वो चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको लिख लेना इंपॉर्टेंट के कॉलम में, अगर वो चीज फालतू है, निगेटिव है या वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उसको लिखना है नॉन इंपॉर्टेंट के कॉलम में। ये 2 कॉलम ने अगर हमने हमारे जो चीजें वो लिख दी, तो हमारा जो दिमाग है वो खाली हो जाएगा और हम पूरे फोकस से पढ़ाई कर सकते हैं। बाद में जब पढ़ाई हो जाती है तो इंपॉर्टेंट कॉलम देखना, और जो इंपॉर्टेंट कॉलम है वो एक्शंस, उस पर एक्शंस लेना, और जो नॉन इंपॉर्टेंट कॉलम है, यानी फिजूल की जो बातें हैं, वो नॉन इंपॉर्टेंट कॉलम, वो पेज का हिस्सा फाड़ के फेंक देना। इस प्रकार से हम हमारा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई के ऊपर बढ़ा सकते हैं। साथ में ही ग्रेटर द नॉलेज, ग्रेटर इज द कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए जितना आप पढ़ाई करोगे, जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा, जितने आपकी पढ़ाई बढ़ेगी, उतना आपका कॉन्सेंट्रेशन और फोकस बढ़ते जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है, वो है, हम जो भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो भी ट्यूशन अटेंड कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई हम अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले लाइन पे बैठे, फर्स्ट रो में बैठे और उसे कॉन्सेंट्रेशन से सुने। जितना हम कॉन्सेंट्रेशन हमारे क्लास में, हमारे ट्यूशन में, हमारे लेक्चर्स में रहेंगे, उतना हमारा फायदा हमारे पढ़ते वक्त होगा। साथ ही लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर रखना है।
जब हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो कि हाँ मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, जब हमारा कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहता है तो हमारा जो फोकस है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो 10 गुना ज्यादा पड़ता है। होप, मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आया। ये वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्द ही आगे आगे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगा। धन्यवाद।